नमस्कार, एनडीसी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अर्चना कौशल, एनडीसी न्यूज। कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए दुनिया के तमाम देशों में लॉकडाउन जारी है। कामकाज पूरी तरह से ठप पड़ा है, जिस कारण लाखों लोगों को अपनी नौकरियों से भी हाथ धोना पड़ा है। लेकिन कहते हैं किस्मत कब और कहां बदल जाए कोई नहीं जानता। एक तरफ कोरोना काल में लोगों पर आर्थिक संकट मंडरा रहा है, वहीं एक युवक की किस्मत रातों रात बदल गई और करोड़पति बन गया। मामला न्यूजीलैंड का है, जहां लॉकडाउन के चलते नौकरी गंवाने वाले एक युवक ने लॉटरी में $10 मिलियन लगभग 75 करोड़ रुपए जीते हैं। न्यू इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक हैमिल्टन युवक की लॉकडाउन के चलते नौकरी चली गई थी। इस बात को लेकर उसकी पत्नी काफी सदमे में थी। युवक ने माइलॉटो से लॉटरी का टिकट खरीदा था। माइलॉटो के अनुसार हैमिल्टन युवक ने लॉकडाउन में नौकरी खो दी थी। उसकी पत्नी, जो एक स्वास्थ्य कर्मचारी के रूप में काम करती है, काफी चिंतित थी। लेकिन युवक ने लॉटरी में $10 मिलियन जीतकर पत्नी को बड़ा तोहफा दिया है। युवक ने बताया कि लॉटरी जीतने के बारे में उसे तब पता चला जब उसने ड्रॉ के बाद अगले दिन ईमेल चेक किया। हैमिल्टन युवक की पत्नी ने बताया, मैं घर पर आई थी और मेरे पति रसोई में मेज पर बैठे थे। मेरे कमरे में एक लिफाफा रखा हुआ था। उन्होंने मुझे लिफाफा खोलने के लिए कहा। उसके अंदर एक अखबार का आर्टिकल था जिसमें लिखा गया था कि हैमिल्टन के किसी व्यक्ति ने 10.3 मिलियन की लॉटरी जीती है। मैंने कहा, आप मुझे यह क्यों दिखा रहे हैं? उन्होंने जवाब दिया, यह हम हैं, हम विजेता हैं। मुझे लगा कि वह मजाक कर रहे हैं, लेकिन बाद में ईमेल चेक किया तो यकीन हुआ। दोनों ने बताया कि लॉटरी में जीती हुई रकम से वह अपनी कार की रिपेयरिंग कराएंगे, लोन का भुगतान करेंगे और अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्च करेंगे।